Let's revise jaundice very quickly. Jaundice can be classified into prehepatic, hepatocellular, and posthepatic. प्री हेपैटिक इज ड्यू टू हिमोलिसिस हिपैटोसेलुलर इज ड्यू टू डेफिशिएंट अपटेक कॉन्जुगेशन और एक्सक्रीशन पोस्ट हेपैटिक इज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन यूरिन में बिलेरुबिन हमको प्री हिपैटिक में नहीं मिलेगा हिपैटोसेलुलर और पोस्ट हेपैटिक में मिलेगा प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्री हिपैटिक में नॉर्मल रहेगा जबकि हिपैटोसेलुलर और पोस्ट हेपैटिक में हमको बढ़ा हुआ मिलेगा दूसरे फीचर्स भी मिलेंगे तो अगर जॉन्डस सस्पेक्टेड है तो सीरम बिलेरुबिन करवाइए कॉन्जुकेटेड हाइपर बिलेरोबिनिमिया है तो अमीनो ट्रांसफरेजर

ट्रांसफरेज करवाइए अगर वो नॉर्मल है मतलब कोई बोनी अनॉर्मली हो सकती है वो बढ़ा हुआ है तो हिपेटिक इंजरी है अगर आपको हिपैटोसेल्युलर और कोलिस्ट्रेटिक इंजरी के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है तो बढ़ा हुआ प्रोथ्रॉम्बिन टाइम अगर विटामिन के के इंजेक्शन के बाद ठीक हो जाता है दैट मीन्स इट वॉज ड्यू टू कोलिस्ट्रेटिक लिवर डिजीज लेकिन हिपेटोसेल्युलर डिजीज में नहीं होगी